I can't. Ek toh first of all, this that happened during that time. And the beauty of the story is, though it's called Lajwanti, it is from the point of view of her husband Sundarlal. And therein lies the greatness of the writer, who talks about the accounts of partition while he's searching for his Lajwanti, who has been separated from him. And so we're gathered here today, especially because it's his 100th birth centenary, and there couldn't be a better time to talk about it and launch it in front of the media. That sitting beside me is my Sundarlal and Lajwanti, not mine actually, Bedi Saab Sundarlal and Bedi Saab Lajwanti. And it's a very, very proud moment for the Bedi family and for Trilogy Entertainment. Me as a producer, we're producing the show for Z, and it couldn't, we thank Z and are grateful that they gave us this opportunity to showcase his short story on their channel. Thank you. What? Sorry, I can't hear you. मेहनत तो काफी लगी एक्चुअली. ये जो कहानी लाजवंती जो बेदी साहब ने लिखी थी वो मैंने 15 साल पहले पढ़ी थी, और जब मैंने कहानी पढ़ी और मुझे लगा ये तो फिल्म बनने के लायक है, और मैंने कोशिश की, लाख कोशिश की कि फिल्म बने, पर वो नहीं बनी. So it is a story that I have researched for years. So I know the mahol, bahut books padhi, films dekhi, partition ke first hand accounts of people who were there. My bua, my chacha, they remember vague memories of, you know, making the journey from Lahore to India. It is still a very big wound in the hearts of all those people. From Bollywood and China. Okay, hello. Hello. From. So, naya show Lajwanti. Kis tarah ka show hai? Kis tarah ka show? Bahut interesting show hai. Bahut bahut interesting. Bahut different show hai. And ek love story hai. Bahut cute love story. Jisse I think audience ko pyar ho jayega. देखो लाजवंती स्टोरी, ओके, रिटन बाय रजिंदर सिंह बेदी, पद्मश्री अवार्ड विनर, वन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अवार्ड्स. इट वाज टू बी मेड इनटू अ मूवी विद दिलीप कुमार और नूतन, ठीक है. उनकी ग्रैंड डॉटर ने प्रोड्यूस किया ये शो, उनकी ग्रैंड डॉटर ने लिखा है ये शो. जी टी वी पे आने वाला, तो आप सोचिए कि कितने बड़े बड़े नाम एसोसिएट है इसमें. तो हम लोग फिलहाल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल का शो होना चाहिए, क्योंकि ये एक 50 साल पहले से ये जो लेगेसी बिल्डअप होती जा रही है. और इनफैक्ट आज उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी, तो आज के दिन हम पहली बार मीडिया से बात कर रहे हैं शो के बारे में. तो लाजवंती एक गांव की लड़की है, पंजाब की, और बहुत चुपी है, बबली है, बहुत बोलती है, झल्ली भी है, इमोशनल भी है, केयरिंग भी है, और रिबेलियस भी है. तो मतलब आई थिंक कोई ऐसा ट्रेट बचता ही नहीं जो नहीं है लाजवंती में. एग्जैक्ट कॉपी है, उतनी झल्ली है, उतनी पागल है, उतनी गुस्से भी होती है, कभी प्यार भी करती है, कभी है. करेक्ट, परफेक्ट कास्टिंग है, और मैं सही में कह रहा हूँ. Okay. हाँ हाँ. किस तरह से मैं निभा रहा हूँ? ओके, मेरा जो किरदार है एक्चुअली मेरे पर्सनालिटी टाइप से आइडेंटिकल तो नहीं है, बट काफ़ी ट्रेट्स है. और मुझे एक्चुअली जिस पर काम करना था
वो था कि उस ज़माने का शहरी, क्योंकि दो ये बंदा मॉडर्न है उस ज़माने को लेकर, पढ़ा लिखा है, लाहौर से है, बट मैं हूँ बॉम्बे का, पंजाबी हूँ लेकिन बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, बाहर रहा हूँ, तो मुझे अपने जो शहरी पने को, आज के शहरी पने को निकालना पड़ा, तो उस पर मैंने मेहनत की। डिफ़िकल्टी बट आई मीन काम की बात थी, काम की एंड काम किया, उस पर टाइम बिताया, और क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में, इनिशियल हमारी शूटिंग जो हुई वो पंजाब में हुई, तो आप उस एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो, तो आपके आसपास सब वो भाषा बोल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी कहानियाँ बताते थे, तो आप उन सब चीज़ों को इम्बाइब करते हो और ऑटोमेटिकली कुछ कमाल सा निकल जाता है। और पता है मैंने काफ़ी काम किया हुआ है कई सालों से, बट आप एक रॉ एक्टर के साथ काम कर रहे हो अंकिता, और एक जो वो रॉनेस लाती है ना, उसमें कोई बैड हैबिट्स नहीं है, जो कि एक्टर्स जो कि ज़मानों से काम करें ना, कमाल के एक्टर्स होते हैं, बट कई बैड हैबिट्स, इसमें एक रॉनेस थी जो कि आपको पता नहीं है वो क्या करने वाली है, कैसे करने वाली, तो ऑटोमेटिकली आपके रिएक्शन भी अलग होते, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा खेल था। मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे पंजाबी को कम करना था और मेरा सिड को हसले सिड को डेफिनेटली थोड़ा, पर इन्होंने बहुत मेहनत की है एंड, पर इनकी सबसे अजीब बात है कि ये ऑफ शूट भी पंजाबी में बात करते हैं, इन्होंने ऐसा कर लिया अपनी लैंग्वेज पे काम करने के लिए, ऑलवेज यूज टू टॉक इन पंजाबी एंड आई थिंक ही इज रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट, और अब तो ये बहुत पंजाबी बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही ओके मुझे लगता है ये एक लव स्टोरी दो के पार्टीशन एरा की है, आज के ज़माने में बहुत ही रेलेवेंट है, हमारे शो में एक फ्रेशनेस है जो कि कई बार आपको इंडियन टेलीविजन पे दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली जब देखेगी कनेक्ट करेगी कैरेक्टर से एंड होपफुली पसंद करेगी। बहुत डिफरेंट है अभी के रेगुलर शो से एंड आप देखोगे तो आई थिंक आप फील करोगे कि आप एक्चुअली उसी टाइम में चले गए हो विद द म्यूजिक एंड द लुक्स ऑफ द कैरेक्टर्स एवरीथिंग, इवन आर सेट इट सो ब्यूटीफुल एंड सो वेल डिटेल्ड, आई थिंक बहुत डिफरेंट होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।